Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on first shifting theorem of the inverse Laplace transform. So let's start the video. So question is Laplace inverse Laplace transform s minus 2 upon s minus 2 power square plus 5 chi square s plus 4 upon s plus 4 chi square plus 9 square plus 1 upon s plus 2 power square plus 3 chi square. इसको हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारा था एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई टू दी पावर ए टी एफ ऑफ टी. ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहला टर्म जो दिख रहा है उसमें हमारा s माइनस ए के जगह पे क्या है, s माइनस टू. सो हमें क्या मिलेगा, e टू दी पावर e की जगह पे 2 है, तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट टर्म से डायरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहे हैं, तो e टू दी पावर हो जाएगा 2t. ठीक है, e की जगह पे 2t, e टू दी पावर 2t l इनवर्स. फिर हमें क्या बचेगा, यहाँ पे मिलेगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. उसी तरीके से दूसरे टर्म में क्या है, यहाँ पे प्लस 4 है, प्लस 4 है, तो हमने प्लस के लिए लाप्लास का इनवर्स फॉर्मूला बताया था, एल इनवर्स एफ ऑफ एस प्लस ए इक्वल टू होगा ई टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी. ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 4t. ए की जगह पे क्या है, यहाँ ए की जगह पे 4 है. ये पूरा टर्म क्या शो कर रहा है, ये एक तरीके से एफ ऑफ एस प्लस ए जैसा है और ए की जगह पे क्या है, 4 है. ठीक है, सो दिस इज ई टू द पावर माइनस 40 इंटू लाप्लास इनवर्स. फिर क्या बचेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर. ठीक है, उसी तरीके से लास्ट वाले में हमारा यहाँ एस प्लस 2 दिख रहा है, तो प्लस 2 मतलब माइनस हो जाएगा, सो ई टू दी पावर माइनस 2 एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. क्लियर, तो ई टू दी पावर 2t. अब ये हम जानते हैं इनवर्स ये तो ये किसकी वैल्यू है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये होता है कॉस 5t. कॉस 5t की वैल्यू है ये, जानते हैं लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो यहाँ ए स्क्वायर की जगह 5 है, ए की जगह 5, सो दिस इज सेम. अगर हम कॉस ए टी निकालेंगे, कॉस ए टी तो क्या होगा, लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, उसी तरीके से ई टू दी पावर माइनस 40, और यहाँ भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कॉस ऑफ ये 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2t. और साइन के बारे में हमको पता है लाप्लास ऑफ साइन 80, तो बड़ा ज़रूरी है सारी चीज़ों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता हो ताकि हम डायरेक्ट लिख पाएँ. यहाँ पे होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, यहाँ चूंकि ऊपर कुछ नहीं लिखा है, 1 है, इसका मतलब ये इधर आ चुका है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 80 बाई ए इक्वल टू एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, सिंपल, एल को पहले हम उधर ले जाएंगे और ए को इधर लेते आएंगे. ठीक है, सो एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं, साइन 80 अपॉन ए. तो सिंपली ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मीन्स ए इज 3. सो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन ऑफ 3t अपॉन 3 माइनस 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं. ठीक है, तो अगर ये लाप्लास हमें दोनों पता है तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है. यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाए हैं. ठीक है, ये जो हम यूज़ कर लेंगे उसके बाद केवल लाप्लास हमको आना चाहिए, उसके बाद हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ये रहा आंसर, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था और कोई बहुत बड़ा सलूशन इसका नहीं रहा. ठीक है, ये काफ़ी आसान था.
इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है नया क्वेश्चन, लाप्लास इनवर्स 1 upon s minus 4 power 5 plus 5 upon s minus 2 whole square plus 5 square plus s plus 3 upon s plus 3 का whole square plus 6 का स्क्वायर। सो इसको भी हम उसी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से करेंगे जिसको हमने अभी बताया, एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एफ टी एंड एल इनवर्स एफ ऑफ एस प्लस ए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी और एफ टी। तो इसको देखिए, इसको पहले हम सेपरेट कर लेंगे, एल इनवर्स 1 upon s minus 4 power 5 एंड देन 5 चाहे तो हम ऐसे भी लिख लें, एल इनवर्स 5 upon s minus 2 का whole square plus 5 का स्क्वायर एंड देन एल इनवर्स s plus 3 upon s plus 3 का स्क्वायर एंड प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग रहा है। कैसे, देखिए यहाँ s के जगह क्या है, s minus 4। सो जहाँ भी माइनस होता है तो a का मान हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, e टू द पावर 4t एल इनवर्स, ये क्या हो गया, s पावर 5। सिंपल क्या बचता है, एफ टी बच जाता है, तो वो प्रोसेस टाइप का होगा 1 upon s power 5 लिखूंगा। ठीक है, प्लस उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, s माइनस 2 e टू द पावर 2t एल इनवर्स 5 upon s square plus 5 square। उसी तरीके से यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ 3 है, a की जगह पे क्या है, प्लस 3 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 एल इनवर्स, यहाँ प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा। सो दिस इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दो टर्म में तो हमें दिख रहा है कि ये साइन का टर्म हो जाएगा, जैसे इसमें था a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह पे 5 है, और यहाँ पे s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये cos का टर्म है, तो a की जगह पे क्या है, 6 है। इन दोनों टर्म में लिख लेंगे e टू द पावर 2t और यह सिंपली हो जाएगा साइन 5t प्लस e टू द पावर माइनस 3t और यह हो जाएगा cos ऑफ 6t। ठीक है, इन दोनों को यूज करके हम बड़े आराम से ऐसा लिख सकते हैं। अब एक टर्म हमारा शुरू में है, ये वाला e टू द पावर 4t, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a की जगह पे यहाँ पे 5 है, तो साइन 5t यहाँ से 5 हो गया। उसी तरीके से यहाँ 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए t में हम क्या करेंगे, हम एक और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n, और ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो हमें मिलता है t पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू l इनवर्स 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। तो अगर हमको एस 5 लाना है तो हम क्या करेंगे, एल इनवर्स 1 अपॉन एस एन प्लस 1। एस 5 तब आएगा जब हम एन के जगह क्या रखेंगे, 4। अगर हम एन के जगह 4 पुट कर दें तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, सो एल इनवर्स 1 अपॉन एस टू द पावर 5। सो अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ टी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, सो दिस इज टी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चाहे तो 4 फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 × 3 × 2 ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 24, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो लाप्लास को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करके हम बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे देते हैं होमवर्क के लिए, अब इसको ध्यान से देखिए, फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हमें बताइए, कमेंट करके हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, तो ये है प्रॉब्लम,
होमवर्क के लिए है, तो लाप्लास इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 4 का पावर 5 प्लस 5 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में बताया है, तो ये काफ़ी ईजिली हो जाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।